नमस्कार दोस्तों, PLCRDHM एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप बात करूंगा पशुधन सहायक से संबंधित, उसके रिजल्ट के बारे में कि इसका रिजल्ट कब तक आ रहा है और कौन सी डेट तक आ रहा है। दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी प्रेस कर ले, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इससे आपको फ़ायदा हो और आप ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको दबाना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं अपने जो आज के इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर। तो दोस्तों, सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही है इस समय, पशुधन सहायक के रिजल्ट से संबंधित कोई भी वीडियो है जो कोई से भी चैनल के ऊपर अपलोड होता है, तो उनको लोग बच्चे सभी बच्चे गौर करके देख रहे हैं, क्योंकि सभी को पशुधन सहायक के परिणाम का जो परिणाम है उसका बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि एग्जाम को लगे हुए 2 महीने और आज 7-8 दिन हो गए हैं। इस कारण सभी बच्चों को परिणाम का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है, इसलिए उन्होंने बार बार कट ऑफ के वीडियो देखे हैं, बार बार कट ऑफ तैयार करवाई है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैं कितने तक सेफ हूँ, कितने तक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने सभी को, सारे चैनलों के वीडियो को अच्छे से देखा है। तो दोस्तों, सभी के दिमाग में चिंता होना एक जायज़ बात है, क्योंकि ये परिणाम है जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ परिणाम है, क्योंकि इससे काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी संवरने वाली है। इसलिए सभी गौर करके, एक ही उम्मीद करके कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, चिंता ना करें। और आपका जो परिणाम है दोस्तों, वो भी जल्द ही आने वाला है। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो डेट बताई थी वो डेट, दोनों ही डेटें निकल चुकी है। मैंने एक वीडियो के अंदर 20 तारीख बताई थी और दोस्तों एक के अंदर 25 तारीख बताई थी। तो हाँ, दोनों ही तारीख है जो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि दोनों ही तारीखें निकल गई है, क्योंकि इसमें देरी, परिणाम के देरी होने का कुछ कारण था दोस्तों, वो मैं आपको बताऊँगा कि किस कारण जो परिणाम में देरी हुई है उस, नहीं तो अभी तक इसका रिजल्ट अब से पहले 10 दिन पहले आ जाता दोस्तों। तो इसमें परिणाम में देरी होने का सबसे पहला कारण तो राज्य के अंदर जो चुनाव हुए थे वो इसका मेन रीज़न था, क्योंकि चुनावों के अंदर आचार संहिता ही लगने के कारण और जो कर्मचारी थे वो सब उनके ऊपर बिजी होने के कारण चुनावों के अंदर, इसलिए इसका परिणाम है जो थोड़ा देरी हो रहा है। और नई गवर्नमेंट बनने से हमारे जो मंत्री है वो भी चेंज हुए हैं, नया मुख्यमंत्री आया और नया जो हमारे पशुपालन विभाग का कृषि मंत्री था वो नया चुना गया। इस कारण इसके परिणाम में काफ़ी देरी हो गई, क्योंकि 2 महीने और 7-8 दिन का समय हो गया और अभी तक परिणाम नहीं आया। तो काफ़ी बच्चे चिंतित हैं इसको, परिणाम को लेकर, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही एक बात चलती है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उनके और दूसरी जो वैकेंसियाँ उनकी तैयारी भी नहीं हो पा रही। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका परिणाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, हो सकता है कि आपका परिणाम दिसंबर महीने के अंदर ही आ जाए, पूरी पूरी उम्मीद है आपका परिणाम इसी महीने के अंत तक आने की संभावना है। तो दोस्तों, आप चिंता ना करें, जिसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका सभी का सिलेक्शन होगा। और एक और बात थी जिसके कारण आपका परिणाम थोड़ा देरी हो रही है इसके अंदर, क्योंकि जो 2016 की पशुधन सहायक वाली भर्ती थी दोस्तों, उसकी उसमें कुछ पद है जो अतिरिक्त खाली रह गए, तो उनकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में लगा हुआ है जो बोर्ड है, वो उस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। इस कारण हमारे इस 2018 के जो पशुधन सहायक 2077 पद थे उसकी भर्ती प्रक्रिया के परिणाम में देरी हो रही है दोस्तों। तो आपका परिणाम कौन से दिनांक तक आएगा, कब तक आएगा, मैं आपको बताता हूँ, तब आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर कराऊंगा कि आपका परिणाम कब तक पक्का ही आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पशुधन सहायक व पशु चिकित्सा सहायकों ने निर्देश संयुक्त निर्देशक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि जो अभी ये 24 दिसंबर, जो दिनांक 24 दिसंबर थी, उसको जो पशुधन कार्यालय यानी कि जो ये बोर्ड था इनका, RSM SSB, उस बोर्ड के ऊपर है जो
पशु चिकित्सा एवं चिकित्सा कर्मचारी संघ के जो प्रदेश व्यापी आह्वान पर सोमवार को सैकड़ों पशुधन सहायकों व पशु चिकित्सकों ने संयुक्त निदेशक कार्यालय था दोस्तों उस पर प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन और अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था। उस ज्ञापन में अध्यक्ष मनोहर लाल ने बताया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जिला मंत्री मनदीप सिंह जी और अमित ग्रोवर, बाबूलाल जाट, संजय सिंह, प्रदीप त्रिलोक यादव, धर्मेंद्र पूनिया, पवन विनोद आदि लोग यानी काफ़ी लोग मौजूद थे। तो उन्होंने जो बीएल जाटाव जी थे, हमारे आरएसएमएसएसबी जो बोर्ड है उनके अध्यक्ष, उनको ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने ज्ञापन के बाद में सभी बच्चों को यानी सभी जो प्रदर्शनकारी थे उनको आश्वासन दिया था कि आपका परिणाम है वो 7 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल राइट है कि आपका परिणाम इसी महीने में, जो इसके जो दिन शेष बच रहे हैं उनमें आपका परिणाम आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों उसके मैं आपको कुछ प्रूफ भी बताता हूँ कि आपका परिणाम कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो 54 परीक्षा केंद्रों पर जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उसमें 92.56% जो उपस्थिति रही थी उसमें 17,570 परीक्षार्थी थे और परीक्षार्थी में पंजीकृत 16,262 परीक्षार्थी बैठे थे इस परीक्षा के अंदर। और इसके अंदर दोस्तों ये मैं आपको बताऊँगा कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा। इसमें देख सकते हो आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक परीक्षा का 21 अक्टूबर को सफलतापूर्वक की आयोजन किया गया और लिखित परीक्षा का परिणाम दिसंबर माह में जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका जो परिणाम है वो दिसंबर माह के अंदर जारी हो जाएगा। दोस्तों दिसंबर माह है उसके अंदर परिणाम आपका लगभग परिणाम आने का पूरे चांस है। दोस्तों अगर आपका परिणाम दिसंबर माह में नहीं आता है तो जनवरी महीने के फर्स्ट वीक के अंदर आपका परिणाम जरूर से ज़रूर आ जाएगा दोस्तों। तो आप धैर्य बना के रखें। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे दोस्त सर इस पशुधन सहायक का वीडियो बनाए, तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो मैं भी अपलोड कर दूं पशुधन सहायक का। तो दोस्तों मैंने इस कारण वीडियो बनाया कि आप धैर्य बनाए रखे, आपका परिणाम जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है और उसके बाद में आपके परिणाम के बाद में आपको 15-20 दिन का टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप वो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनका, उसका वीडियो भी मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो, उसको देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। तो आपको 15-20 दिन का समय ज़रूर मिलेगा दोस्तों, आप चिंता ना करें। और जो भी दोस्त है जिनकी अगले महीने के अंदर या इसी एग्ज़ाम है कोई भी अदर कम वैकेंसी की, तो उसकी आप तैयारी बनाए रखें, क्योंकि आपका अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इसी में सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन आप फिर भी तैयारी बनाए रखें, चिंता ना करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि भगवान आपको सभी को सफल बनाए इसी के अंदर, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।